ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रोइंग हैप्पीनेस इन एवरी पॉट। और आज का हमारा जो पॉट है, 24 इंच का इतना बड़ा पॉट है, ये किसका पॉट है? ये है गुआवा का प्लांट, अमरूद का प्लांट। ये हमें शुरू से ही अच्छा फल देता आया है और ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने पहले थोड़ी नीचे की जो टहनियाँ उनको थोड़ा सा रिमूव करा, जो बिल्कुल ही सॉइल को टच कर रही थी। फल इसमें बहुत सारे लग रहे हैं बट बहुत बड़े नहीं हो रहे और कुछ फल काले हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इसकी हम केयर करते हैं और इसकी हम सारी गुड़ाई करके रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी। और आपने जड़ से जो मेन स्टेम है उसे थोड़ा दूर करना है, उसके पास नहीं करना। तो देखिए मैं यहाँ गुड़ाई कर रही हूँ और मैं सर्कल में गुड़ाई कर रही हूँ। उसका जो पूरा डायमीटर है वो है सर्कमफ्रेंस है, उस पर मैं कर रही हूँ। पत्ते मैं हटा रही हूँ, गुड़ाई करते रहे हैं। और सूखे पत्ते, उनके पत्ते हैं वो हटा दीजिए वहाँ से। और गुड़ाई आपने 8 फीट तक करनी है, ज़्यादा अंदर नहीं करनी। तो काफ़ी बड़ा बैग है, पहले अच्छे से गुड़ाई करें। गुड़ाई करी है मैंने, देखी आपके सामने करी, और मिट्टी भी निकाली है फिर मैंने बाहर। तो इसकी मिट्टी भी निकाले फिर गुड़ाई करके, और मैंने आसपास के पॉट्स में भी थोड़ी मिट्टी डाल दी, क्योंकि हम इसमें बाद में डालेंगे खाद। खाद में हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, पोटैश है, कैल्शियम नाइट्रेट है, DAP है, और सीवीड ग्रैनुल्स हैं। हल्दी मिलाना मैं भूल गई, बट मैं साफ का पानी दूंगी इसको बाद में। तो हल्दी का कभी कभी आप स्प्रे भी कर सकते हैं, हल्दी को पानी में डालें और उसका स्प्रे कर दें। ये देखिए गुड़ाई कर रही हूँ, पहले मैं अच्छी तरह से सारे प्लांट को मैंने गुड़ाई किया है, क्योंकि इसकी हम केयर कई बार नहीं कर पाते हैं। तो इसकी अच्छे से गुड़ाई करनी है पहले। तो ये देखिए मिट्टी निकाल के आसपास के, और ये आगे हमारी खाद जो मैंने बनाई है, और कोकोपीट का भी मैंने यूज़ किया है। तो इन सबको आपने क्या करना है, इनको मिला लीजिए। इन ये देखिए, ये DAP वाइट कलर, ये कैल्शियम नाइट्रेट, DAP, ये पोटैश, और ये इधर सीवीड है, इधर वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट हमने ज़्यादा लेनी है। और इन सबको देखिए मैंने मिक्स करके बना लिया है, और मैं इसमें प्लांट में दूंगी। अपने अच्छी तरह से प्लांट को जड़ के जहाँ पे उसकी मेन स्टेम है वहाँ से देना है। और मैंने देखिए डाल के सब अच्छे से फैलाया है, फिर इसको खाद को पूरे अच्छे से हाथ से फैला दें। जो भी इसकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये देखिए मैंने अपने हाथ से इसको सारा करा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं। और इसके ऊपर भी मैं जो मिट्टी निकाली थी वो इसके ऊपर से डाल दूंगी एक परत। ये देखिए ये मिट्टी जो मैंने निकाली थी वो, और बाकी मिट्टी मैंने थोड़ी थोड़ी इधर उधर गमलों में डाल दी है। तो ये मिट्टी मैं हाथ से स्प्रेड कर दूंगी अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर फिर एक लेयर बन जाए जो हमने खाद डाली है। खाद एक्सपोज ना हो, खाद अपने आराम से नीचे तक जड़ तक चली जाएगी। और अब आगे पानी देने का समय। पानी में देखिए हमने साफ का पाउडर मिलाया है। साफ एक नेचुरल ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, जो आप पौधों में देखिए पानी में डाल के जड़ों तक जाएगी और फंगस के इन्फेक्शन को थोड़ा सा दूर करेगी। किसी भी तरह की फंगस है तो ये इसको दूर करेगी। तो ये देखिए मैंने बाकी प्लांट्स में भी मैंने कहा चलो हम दे देते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। तो इसी तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। तो मैंने बाकी के प्लांट्स में भी दे दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करें, और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद आप सबका। मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।